नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेएनपी न्यूज के एक खास प्रोग्राम अपना बिहार में, और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि नए साल यानी कि 2023 में बिहार पुलिस में 75,000 पदों पर सरकार ने बहाली का फैसला किया है। सिपाही से लेकर दारोगा पद के लिए बहाली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने हरी झंडी भी दे दी है। इस संबंध में डीजीपी की अध्यक्षता में बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित हुई बैठक में 75,000 पदों को सृजित करने की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इतनी बड़ी संख्या में पुलिस की बहाली के बाद ट्रेनिंग सेंटर रहने की व्यवस्था, अन्य आधारभूत संरचना संसाधन को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए प्रत्येक जिले में भू संपदा कोषांग का गठन करने का फैसला लिया गया है। तो वहीं पटना में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परिषद के सदस्यों की ओर से नव नियुक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के नाम पर मुहर लगाकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 को लेकर क्या होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी लल्लन सिंह को दी गई है। वही बताएंगे कि आगे क्या होगा। फिर से औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है, और सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव का भाषण हुआ है, और हमने सब लोगों से मिल लिया है, सारी बात कर ली है, बात तो वही है, और फिर एक ओपन मीटिंग कल होगी। तो उधर जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार से बालू तारी और शराब की नीतियों पर विचार करने की मांग की। साथ ही बड़े शहरों जैसे पटना, मुजफ्फरपुर के बराबरी वाले शहरों में होटलों में शराब परोसने की छूट मिलने की भी वकालत की, और कहा कि प्रखंड स्तर पर शराब की एक दुकान खुलनी चाहिए, क्योंकि शराबबंदी के कारण बिहार में आर्थिक नुकसान हुआ है। बाढ़ में कहां थे, विशेष राज का क्या हुआ, विशेष पैकेज का क्या हुआ, अस्पताल तुम्हारे हाथ में था क्या हुआ, कोरोना का क्या हुआ, सारा डिपार्टमेंट नगर निगम बीजेपी के पास था क्या हुआ। चुनाव हम तीन कारणों से हारे हैं। पहला कारण, हमने पॉलिसीज को हमें चेंज करना चाहिए। एक है बालू, दूसरा है पासी समाज तारी, और तीसरा है शराब, जिस पर हम गंभीरता से बात और विचार नहीं कर रहे। प्रत्याशी पर क्या कर? तो उधर बिहार में दरभंगा जिले में ऐतिहासिक विरासतों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। मामला ललित नारायण विश्वविद्यालय परिसर स्थित नारगोन महल में स्थित महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह संग्रहालय का है। यहाँ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के कुछ छात्र छात्राओं ने दरभंगा महाराज के ऐतिहासिक धरोहरों के साथ सेल्फी, ग्रुप फोटो और उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद धरोहरों से लगाव रखने वाले लोगों ने इसके खिलाफ आपत्ति जताई है। वहीं जब इस बात की जानकारी दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह के पौत्र कुमार राजेश्वर सिंह और कपिलेश्वर सिंह को लगी, तो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने आपत्ति जताते हुए महाराज कामेश्वर सिंह के निजी प्रयोग में आने वाले वस्तुओं को, जिसे धरोहर के रूप में विश्वविद्यालय को संग्रहालय में सहेजने के लिए दिया गया है, लेकिन बिना किसी नियम के विश्वविद्यालय प्रशासन इसकी धज्जियां उड़ा रहा है। महाराज साहब का संग्रहालय है, उस संग्रहालय में हम लोगों की शंका यह है कि वहां पे कई दुर्लभ चीजें हैं और कई मतलब पुरातत्व से रिलेटेड चीजें हैं, उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं और उनको नष्ट करने की बहुत बड़ी साजिश की गई है। वहां पर अभी हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारा फोटोग्राफ्स मिला है, जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो उपद्रवी बच्चे हैं या फिर जो भी कर्मी हैं, हम नहीं जानते वो कौन है, उनके द्वारा चीजों को नष्ट करने का एक प्रयास किया गया है, उन सामानों गलत ढंग से उसका इस्तेमाल किया गया है। 8 तारीख को साफ सफाई के लिए बच्चों को ले गए थे, और साफ सफाई के बाद हो सकता है कि मैं तो खुद वहां प्रेजेंट था, रामचंद्र बाबू भी प्रेजेंट थे, हो सकता है मेरी निगाह इधर उधर हो गई हो, उस बीच में बच्चों ने वही क्लिक कर दिया हो, फोटो ले लिया हो, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं। साफ सफाई के लिए लोग नहीं है उसके? नहीं, उसके लिए तो साफ सफाई तो ऐसे उन्हें कुछ बताना भी था हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में कि राज गजवारा, राजा महाराजा किस तरह रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे।
तो वही छपरा के तरैया थाना क्षेत्र के एक स्कूल में वर्षगांठ पर खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मढौरा डीएसपी ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और सभी अतिथियों को वस्त्र से सम्मानित किया और बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल आपसी भाईचारा और समन्वय बनाने का संदेश देता है। इस दौरान उन्होंने छात्रों के खेल शुरू करवाए और खुद भी बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। सर, मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ जितना पढ़ाई जरूरी है उतना ही खेल जरूरी है, क्योंकि खेल है तभी पढ़ाई है, पढ़ाई है तो खेल है, दोनों एक दूसरे से अपना अपना लगाव रखते हैं। मेरा अभी कबड्डी में है, अभी जो कबड्डी में थोड़ा देर में शुरू होगा, उसमें से मेरे 4-5 बच्चे 25-26 तारीख को हो सकता है तो मेरे छपरा लेवल पर खेलने जाने वाले हैं। जो हम लोग हर एक साल जो गेम कराते हैं उसी तरह का गेम है, और गेम सबसे अच्छा है जो बच्चा को हम लोग ख्याल रखते हुए गेम को कराते हैं, जिससे बच्चा को कोई नुकसान ना हो, कहीं चोट ना है, उस ख्याल से हम लोग गेम कराते हैं। और गेम से संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं कि बच्चा मेरा यदि गेम में ध्यान रख रहा है, रुचि रख रहा है, तो स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो पढ़ाई में उसका रुचि रहेगा, हर एक तरह से फिट रहेगा और आगे चल के काफी गेम के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा नाम करें। बिहार की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।